मैडम ये इंजेक्शन ले आइए, आपके पति के ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। प्लीज मेरी बात सुनिए, वो हमारी बेटी तेजू है क्या आपके लिस्ट पे? देखिए ना, 19 साल की है और उसने टैक्सी ड्राइवर के कपड़े पहने, आप देखिए ना। सॉरी सर, अभी एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है, उसमें बहुत से लोग घायल हुए हैं और सभी लोग इसी हॉस्पिटल में लाए गए हैं। अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ 2000 रुपए है। नहीं नहीं मैडम, आपको दवाइयों का बिल तो देना ही पड़ेगा। आप एक काम करिए, ये सोने के कंगन रख लीजिए। नहीं नहीं मैडम, कोई जरूरत नहीं है, आप अपना नंबर और एड्रेस लिखवा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। राज और लता अगर पूजा शुरू कर दे तो? हाँ हाँ रूना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, वो दोनों भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। हेलो हेलो जी, देखिए प्लीज ऊंचा बोलिए। हेलो, अभी बहुत हीरो हो रही है कम से कम। हाँ एक मिनट। मैडम, 7 नंबर बेड पर जो आपका पेशेंट है उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। 7 नंबर? विमल भैया जी, उनका ऑपरेशन करना होगा, आप ये फॉर्म साइन कर दीजिए प्लीज। आपने पहले के भी पैसे नहीं भरे हैं, जब तक आप पैसे नहीं भरेंगे आपके परिवार का इलाज नहीं होगा। पैसा पैसा पैसा, बस पैसों की पड़ी है आपको। हाँ, ये अस्पताल है या कोई बैंक है? आप एडवांस के बिना इलाज नहीं करेंगी? देखिए मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ है, काफी अफरा तफरी मची है, आप तो देख ही रहे हैं। मिसिंग लिस्ट आने में 15 मिनट और लगेंगे। मिसेस प्रसाद, ब्लड का इंतजाम हो गया। क्या हुआ इन्हें? ये गाड़ी में अपने परिवार के साथ आ रही थी, इनकी गाड़ी का बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। इनके हस्बैंड की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत सारा खून बह चुका है, उनका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है और हमारे ब्लड बैंक में AB नेगेटिव नहीं है। AB नेगेटिव? आप ब्लड लेने की तैयारी कीजिए, मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। अगर ऐसे हाल में तुम ही अपने आप को नहीं संभाल पाओगे तो कैसे चलेगा? अब भाई एक बात बताओ, भारतीय औरत में वो ताकत होती है ना कि अगर वो चाहे तो वो अपने पति को यम से भी छीन कर ला सकती है। बिल्कुल। भाग्य से लड़ना होगा बेटी, साथ तेरे लेते समय जो वचन दिया था आज वो पत्नी धर्म तुम्हें निभाना होगा। ये लो, एक प्रण पूरा करना होगा तुम्हें, पूरे 101 छेद है इस कलश में, थोड़ी देर में माँ दुर्गा की आरती होगी, मगर इस आरती से पहले इसमें एक छिपरा का जल भर के तुम्हें माँ दुर्गा को स्नान कराना होगा और उनका श्रृंगार भी करना होगा। फिर याद रहे कि मंदिर तक पहुंचने से पहले इसका जल पूरा ना हो जाए। और बेटा, तुम भी तो इसकी तरह दुखी हो, तुम्हारे अपने तुम्हारे आसपास हैं, लेकिन तुम उन्हें अपना नहीं पा रहे। आओ बेटा, तुम भी माँ दुर्गा की पूजा कर लो सच्चे दिल से, जो माँ को याद करता है माँ उसकी पुकार अवश्य सुनती है बेटा, अवश्य। कल अभिषेक हुआ तो क्या हुआ, हम दोनों मिलकर ये प्रण पूरा करेंगे अपने अपनों के लिए। चलो हम दोनों मिलकर प्रार्थना करें साथ में अपनों के लिए।